रामपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय नहर के बगल स्थित खेत में विक्षिप्त महिला का शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ महिला काफी दिनों से घूम रही थी और भीख मांगकर खा रही थी। शुक्रवार की शाम नहर पुलिया के पास भी वह विक्षिप्त अधेड़ महिला अंतिम बार देखी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माना जाए तो विक्षिप्त अज्ञात महिला को देखने से ही पता चलता था कि वह बीमार थी। नहर पुलिया के पास एक कोने में बैठी दिखाई गई थी। शनिवार की 12 बजे दोपहर आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया कि एक अज्ञात महिला खेत में अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद पड़ी हुई है। सूचना पर थाने के SI भगवान दास एवं जमालापुर चौकी प्रभारी रामसुंदर मौर्य महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो अज्ञात विक्षिप्त महिला की खेत में ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में जमालापुर चौकी प्रभारी रामसुंदर मौर्य ने बताया कि महिला विक्षिप्त थी। काफी दिनों से बाजार के आसपास के क्षेत्रों में उसे घूमते हुए देखा जाता था। रात में कब वह खेत में पहुंच गई और उसकी मौत हो गई, किसी को भी इस चीज का पता नहीं चल पाया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।